तो एबी टॉक के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस एपिसोड में मैं आपको हमेशा की तरह ही आईएसएल और इंडियन फुटबॉल से जुड़े कुछ नया और इम्पोर्टेंट अपडेट बताने वाला हूं। तो आज पहला अपडेट आ रहा है एटी के मोहन बगान की तरफ से। कुछ देर पहले ही एक बहुत ही बड़ा ऑफिशियल अपडेट आया है एडू गार्सिया को लेकर। एडू गार्सिया ने एटी के मोहन बगान के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर लिया है 2022 तक, 2022 तक, यानी कि आने वाले दो सीजन तक जुड़ा रहेगा एडू गार्सिया एटी के मोहन बगान टीम के साथ। इससे पहले भी मैंने आपको बता दिया था कि एडू गार्सिया के साथ सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ ऑफिशियली अनाउंसमेंट बाकी है और भाई आज वो हो गया है। साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जितना खिलाड़ी मोहन बगान और एटीके के कॉन्ट्रैक्ट में था उन सभी का ऑफिशियल अनाउंसमेंट एटीके मोहन बगान के टीम में ज़रूर होने वाला है और उसका लिस्ट एकदम पूरी तरीके से सेट हो चुका है। आपको डेट बाय डेट सब कुछ ऑफिशियल अपडेट मिल जाएगा खिलाड़ियों के बारे में। तो चैनल से चिपके रहिए, जब भी कुछ नया अपडेट आएगा मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है चेन्नई एफसी के हेड कोच को लेकर। जैसे कि आपको पता होगा कि चेन्नई एफसी का पिछला हेड कोच ज्वाइन कर लिया है जमशेदपुर एफसी को। चेन्नई एफसी ने उनको अच्छी तरीके से अप्रोच नहीं किया था, शायद डील भी पसंद नहीं आया था वेन कोयल को, इसलिए वेन कोयल चेन्नई एफसी को छोड़कर जमशेदपुर एफसी को ज्वाइन कर लिया है। और भाई चेन्नई एफसी ने अपने हेड कोच के लिए शॉर्ट लिस्ट भी बना लिया है, जहां पर फॉर्मर नॉर्थ यूनाइटेड एफसी का हेड कोच और फॉर्मर केरला वेस्टर्न एफसी का हेड कोच एल्गो सिटोरी का नाम भी शामिल है। अभी तो ऐसा हमें पता चल रहा है सिर्फ दो ही उनके लिस्ट में कोच है, जहां पर से एल्गो सिटोरी एक है, लेकिन क्या एल्गो सिटोरी उनका टॉप प्रायोरिटी है वो हमें कुछ दिन के बाद ही पता चलेगा जब चेन्नई एफसी घोषणा कर देगा अपना हेड कोच एकदम ऑफिशियली। लेकिन चेन्नई एफसी अभी हेड कोच सिलेक्ट करने में लगा हुआ है, बहुत जल्दी उनके खिलाड़ियों के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। जब वो अपना हेड कोच कंफर्म कर लेगा उसके बाद ही आपको खिलाड़ियों के बारे में भी अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए देखते कि कब तक अब चेन्नई एफसी के हेड कोच के अनाउंसमेंट के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाएगा मैं आपको एक और बार इन्फॉर्म कर दूंगा। और इसके बाद अपडेट आ रहा है भाई एफसी गोवा की तरफ से। एफसी गोवा आज ही एक नया साइनिंग शायद घोषणा करने वाला है एकदम ऑफिशियली, और भाई उस खिलाड़ी का नाम है जॉर्ज ओर्टिज मेंडोजा। मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, ऑफिशियल नहीं हुआ है, लेकिन जब वीडियो अपलोड कर दूंगा शायद तब तक हो जाएगा। तो भाई जॉर्ज ओर्टिज मेंडोजा बिलोंग करता है स्पेन से, उम्र है 28 साल, 28 ईयर्स ओल्ड, और इनका पोजीशन है भाई विंग पर। और अगर इनके करियर को देखा जाए तो भाई इन्होंने ज़्यादातर अपने करियर स्पेन में ही बिता दिया है। अल्बा के बी की तरफ से खेला है, उसके बाद इंटर डी मैड्रिड की तरफ से, एडी अल्कोरकॉन, एथलेटिको मैड्रिड बी को भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, उसके बाद एथलेटिको बेलारियास की तरफ से भी लास्ट टाइम इन्होंने खेला था, और उसके बाद अब वो पूरी तरीके से शिफ्ट हो चुका है एफसी गोवा में। तो देखिए भाई एफसी गोवा का जो ऑफिशियल पेज है वहाँ पर जाकर शायद आपको कंप्लीट साइनिंग के बारे में पता चल जाएगा। अभी तक तो ऑफिशियल नहीं हुआ है, मैंने आपको अपडेट दे दिया। और इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है ओडिशा एफसी की तरफ से। ओडिशा एफसी ने आज ही अपने गोलकीपिंग कोच को अनाउंस कर दिया है, जिनका नाम है रोजेरियो रामोस, जो ब्राज़ील से बिलोंग करता है, उम्र है 46 ईयर्स। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इंडियन नेशनल टीम के गोलकीपिंग कोच ये रह चुका है। इसके अलावा अंडर 23 और अंडर 19 को भी इन्होंने मैनेज किया था एज ए गोलकीपिंग कोच, और अब वो ज्वाइन कर लिया है ओडिशा एफसी को। स्टुअर्ट बक्सटर के साथ वो अपना काम करेगा। और इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है कि ओडिशा एफसी के डिफेंडर नारायण दास जा रहा है जमशेदपुर एफसी में। अभी तक तो रिमर्स के तौर पर ही मैं ले रहा हूं, लेकिन अंदर ही अंदर इनका बातचीत कंप्लीट हो चुका है जमशेदपुर एफसी के साथ, ऑफिशियल अनाउंसमेंट ही सिर्फ बाकी है। तो भाई नारायण दास का उम्र है 26 ईयर, लेफ्ट बैक इनका मेन पोजीशन है। इससे पहले पुणे सिटी, ईस्ट बंगाल एफसी गोवा, दिल्ली डायनामोज एफसी को रिप्रेजेंट किया है, और ओडिशा एफसी को लास्ट सीजन कर रहा था। हर मैच पे ही शायद नारायण दास को मौका मिला था, तो मुझे लग रहा है कि वो क्यों जा रहा है जमशेदपुर एफसी में, क्या है वजह, क्या है भाई पैसों के वजह? तो भाई वो एकदम गलत चीज़ है। नारायण दास को शायद मुझे लग रहा है कि जमशेदपुर एफसी में प्लेइंग टाइम थोड़ा बहुत कम मिलेगा ओडिशा एफसी के तुलना में। चलिए देखते हैं कि अब क्या होता है। जब तक भाई जमशेदपुर एफसी ऑफिशियल घोषणा देता है तब तक मैं आपको एक और अपडेट बता देता हूँ। तो इसके बाद नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट अपडेट आ रहा है भाई मिनर्वा पंजाब और दिल्ली फुटबॉल को लेकर। कल ही मैंने आपको अपडेट दिया था कि मिनर्वा स्टॉक खरीदने जा रहा है फुटबॉल दिल्ली का, दिल्ली एफसी का, और भाई आज ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुका है, आप लोग जाकर देख सकते हो। तो मिनर्वा एकेडमी ने स्टेक खरीद लिया है
फुटबॉल दिल्ली या दिल्ली एफसी का, और बहुत एक उम्दा पार्टनरशिप है। मुझे लग रहा है कि दिल्ली एफसी को बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। चलिए आप लोगों का भी राय बता दीजिए इस मर्जर के बारे में, सॉरी इस पार्टनरशिप के बारे में कमेंट करके। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।